आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी समेत पूरे यूपी को 1551 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वाराणसी में पीएम पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे। स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री गंजारी में ही रैली को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार 5000 सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं से संवाद भी करेंगे। वहीं पीएम यूपी के 16 मंडल में 1200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे कई बड़े क्रिकेटर्स मौजूद रहने वाले हैं। तो सबकी निगाहें आज वाराणसी पर टिकी होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। इसके साथ ही देश के जाने माने दिग्गज कई पूर्व भारतीय टीम के कप्तान वाराणसी में मौजूद रहेंगे इस खास मौके पर। तो काशी में पीएम 6 घंटे रुकने का कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम अटेंड करेंगे, क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, अटल आवासीय विद्यालय, वहीं गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होगा। ये आपको बता दें बहुत भव्य होगा, आधुनिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा और पूर्वांचल का ये पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा। कौन कौन मौजूद रहेगा देखिए, कपिल देव पूर्व क्रिकेटर, सुनील गावस्कर, रोजर बिन्नी भी रहेंगे और एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, सचिन भी रहेंगे, रवि शास्त्री भी रहेंगे, दिलीप वेंगसरकर भी रहेंगे। आज पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम काशी में 6 घंटे बिताएंगे जिसमें वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी को करीब 1551 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी में पीएम पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद पीएम गंजारी में ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार 5000 सरकारी परियोजनाओं की लाभार्थी महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा पीएम यूपी के 16 मंडल में 1200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा में खेल महोत्सव के पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। यह 42वां ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं और इस दौरान वो सौगातों की झड़िया लगा देंगे। लगभग 1650 करोड़ की अलग अलग सौगातों से वो न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता को नवाजेंगे। वाराणसी के गंजारी में 451 करोड़ की लागत से बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर काशी वालों में गजब का उत्साह है। स्टेडियम के शिलान्यास के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जैसे कई बड़े खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। इस स्टेडियम का डिजाइन भगवान शिव से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। यह सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों द्वारा लगभग 450 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होगा। उसी जगह गंजारी में ही स्टेडियम स्थल पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करें। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों की फौज काशी में कई दिन से डेरा डाले हैं। वाराणसी से मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ मंत्री जयवीर सिंह और दयाशंकर तैयारियों का जायजा लेते दिखाई दिए। सरकारी योजनाओं की हजारों महिला लाभार्थी भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए पलके बिछाए हैं। जो महिलाओं को इतनी बड़ी उन्होंने ताकत दिया, एक महिला का माने मुखिया बनाकर उन्होंने, जो तब नहीं ताकत थी, जो आज उत्साह उनको आने का और जो हुआ है, जितना हम लोगों को लाभ मिला है और आने वाले कल में मैं चाहूंगी कि वो हम लोगों की पूरी सहन शक्तियाँ लगी उनके साथ और वो आए फिर से। पीएम मोदी के आगमन से पहले माँ गंगा की विशेष आरती का आयोजन किया गया। देखिए पीएम मोदी की तस्वीरों को हाथों में लेकर ये लोग कैसे आरती गा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देखिए गंगा घाटों से लेकर आम घरों तक और सरकारी दफ्तरों से लेकर चौराहे तक दूधिया रोशनी में कैसे जगमगा रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।